दोस्तों, अगर आप भी T20 विश्व कप में भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर धूल चटाने के बाद अब भारत का अगला मिशन है न्यूजीलैंड। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है और इस टीम के खिलाफ सांस रोक देने वाला मैच कब होगा, कैसा होगा, कैसी रणनीति होगी, कहां खेला जाएगा मुकाबला, कितने बजे से शुरू होगा, सब कुछ बताएंगे, एक एक लाइव अपडेट देंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन बनने के इरादे से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। सांसें रोक देने वाले मैच में मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को एक ऐसी जीत दिलाई जिसे शायद कोई भूल नहीं पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मुकाबले में रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी बन गए थे, जहां उन्होंने 2007 T20 विश्व कप की याद दिलाते हुए उन्होंने आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी को गेंदबाजी दे दी और उन्होंने जोगिंदर शर्मा की तरह चमत्कार कर दिया और अब भारत की अगली चुनौती न्यूजीलैंड है। इससे पहले 2021 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने हमें हराकर ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया था। अब बारी है बदला पूरा करने की। उस वक्त हमारी टीम हार गई थी, लेकिन अब एक एक हिसाब चुकता किया जाएगा। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि सामने वाली टीम में भी कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला यह मुकाबला ब्रिस्बेन के गावा मैदान पर होगा। पिछली बार जब इस मैदान पर भारत ने खेला था तब ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर रौंद दिया था। जी हां, अब बारी है न्यूजीलैंड की। 19 अक्टूबर के दिन भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा और इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का मजा आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम में भी सितारों की भरमार है, जहां कप्तान केन विलियमसन के साथ मार्टिन गुप्टिल, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, फिन एरल, ग्लेन फिलिप, डेवॉन कॉनवे जैसे घातक बल्लेबाज मौजूद हैं जो हमारे गेंदबाजों को कठिन चुनौती पेश करेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार न्यूजीलैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहीं ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने, फर्गुसन, टिम साउदी जैसे गेंदबाज मौजूद हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, हमारी टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर मौजूद हैं जो अपना दिन होने पर अकेले ही सामने वाली टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आपको बता दें कि पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को बाहर बैठाने का फैसला किया था, लेकिन इस मैच में हमें ये धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आ सकता है। उनके अलावा दीपक हुड्डा भी विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए दिख सकते हैं। आपको बता दें कि रोहित की प्लेइंग 11 की तो ओपनिंग की जिम्मेदारी रोहित के साथ राहुल के कंधों पर रहेगी। नंबर 3 पर हमें विराट कोहली न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को तहस नहस करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा मध्यम क्रम में दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत के साथ और सूर्य कुमार यादव होंगे और हार्दिक पांड्या भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार के अलावा अर्शदीप सिंह कीवी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए दिखाई देंगे। बात करें स्पिन विभाग की तो यहां पर अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन इस मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक सांस रोक देने वाले प्रैक्टिस मैच को खेला जाएगा, जहां पर दोनों ही टीम हर हाल में जीत दर्ज करके अपनी T20 विश्व कप की तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे। तो आप सभी को क्या लगता है कि इस बार होने वाले T20 विश्व कप में कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और टीम? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।